अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इवेंट्स की टाइप होती हैं, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो आपने देख ली होगी लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको हमने कवर करना है। एक टॉपिक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रह जाएगा, वो अब मैं किसी और वीडियो में करूंगा या बाद में रिकॉर्ड करके इसके साथ एडिट कर दूंगा, वो देखी जाएगी। खैर, जो बाकी टॉपिक है आपकी बुक में मौजूद हैं उन पे जरा हम आते हैं, और साथ साथ बुक की एग्जांपल्स हैं उनको भी एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। एक चीज मैं बता दूं यार, प्रोबेबिलिटी जो है ना ये सबसे मुश्किल टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, खासतौर पर इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी आपको नजर आती नहीं है और वो एक बस एक चैप्टर है। जबकि ए लेवल्स ओ लेवल साइड पे अगर आप जाओ तो काफी बच्चों की स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो करते रहते हैं। मेरे ख्याल में उनका कोर्स भी होता है शायद ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पूरा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो लास्ट टाइम मैंने प्रोबेबिलिटी की डिटेल में एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, और जो पुरानी आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक थी वो टफ थी, तो मैंने काफी उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा थे, तो मुझे फिर एक एक चीज बतानी पड़ी थी उसके अंदर। तो मैंने बहुत डिटेल में वो चैप्टर अपलोड कर दिए, काफी लेक्चर्स में वो अपलोड है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मैंने काफी मेहनत करके वो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस दफा जो आपकी बुक है ये बहुत इजी है, इसमें प्रोबेबिलिटी के भी कोई सवाल ढंग के लिखे हुए नहीं है, जो मुश्किल वाले सवाल मैं आपको बताऊं इसमें। इसके अलावा कोई ऐसे सवाल भी नहीं है जो आप पुरानी बुक में, जो तगड़े वाले सवाल थे वो इस बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ एक दो कॉन्सेप्ट नए हैं इस बुक के अंदर जो पुरानी बुक में नहीं थे, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी कुछ मेरी भी प्रोबेबिलिटी वीक हुई हुई, क्योंकि काफी अर्से से मैंने पढ़ाया नहीं है, आपने शायद ही किसी टीचर के मुंह से सुना हो कि जो बोल रहा हूँ मेरा टॉपिक वीक है। कहने का मतलब मैंने खुद अपने लेक्चर्स देख के रिवाइज किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट भी था। जो रियलिटी है वो है कि अगर प्रैक्टिस में आपकी चीज नहीं रहती तो आपके जहन से निकल जाती है वो। तो बादल, अब इसके अंदर कुछ मुश्किल चीजें थी जो आपकी बुक में डिस्कस ही नहीं है, मतलब उसके क्वेश्चन ही नहीं है, तो अब मैं आपको मुश्किल चीज बता के एग्जाम्पल कहां से दूंगा, तो इसलिए मैंने कहा उस मुश्किल चीज को हम स्किप कर देते हैं, वो मैंने पुरानी बुक में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, किसी को शौक होगा तो वो सीख लेगा। तो जो आपकी बुक में बातें लिखी हुई है ना उसी से रिलेटेड हम सारी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर आप बुक में तरतीब देखो पेज नंबर 200 पे वही जो टाइप्स थी वो सब चलती हुई आ रही थी। अच्छा, एक कंपाउंड इवेंट था जो मैंने शायद नहीं बताया होगा, तो कंपाउंड इवेंट वही होता है कि जिसमें एक से ज्यादा आउटकम होते हैं, ये मैंने डिस्कस नहीं किया होगा उसके अंदर जो पुराना लेक्चर था हमारा। अच्छा, हमने बेसिक फॉर्मूला देख लिया था, प्रोबेबिलिटी निकालना सीख ली थी। अब दो टॉपिक है जो पुरानी बुक में ऐसे होते नहीं थे, वेन डायग्राम का था। अच्छा, वेन डायग्राम असल में तो एक सेट का टॉपिक है, वेन डायग्राम होती क्या है फिर हम बाद में देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। वेन डायग्राम बच्चों एक बेसिकली डायग्राम होती है जिस डायग्राम के जरिए से आप ये समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग सेट में यूनियन निकाला करते थे, ए यूनियन बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में ये है, ए माइनस बी के अंदर ये एलिमेंट है, तो वहां पे वेन डायग्राम एक पिक्चर के जरिए से आप उसको विजुलाइज करते थे कि यार ए यूनियन बी किस टाइप का नजर आ रहा है आपको, या ए इंटरसेक्शन बी आपको किस टाइप का नजर आ रहा है, या अगर आपने आपके पास कोई डायग्राम लिखी हुई है और आपने उससे पूछा जा रहा है कि यार इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो डायग्राम पे आप शेड कर दिया करते थे, जो शेड वाला रीजन होता था वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होता था, वहां पे आपने वेन डायग्राम की एप्लीकेशन देखी। शायद ये टॉपिक आप लोगों की, हाँ ये टॉपिक आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक में है नहीं, लेकिन मैं बेसिक से कौन सा बता दूंगा ताकि जिसको नहीं भी पता वो देख लेगा। यहाँ पे वेन डायग्राम आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए यूज होती है, कि आप पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हो फिर इसमें आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे होते हो, तो काफी फायदा होता है वेन डायग्राम से, आपको आसानी हो जाती है, लेकिन वेन डायग्राम के बगैर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है जो काफी आसानी देंगे, लेकिन कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तो जबरदस्ती उन्होंने वेन डायग्राम आपको बताई हुई है। एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनके लिए ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन खैर उन्होंने डिस्कस किया है तो हम समझ लेते हैं क्या वेन डायग्राम है। और एक सवाल मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, वो एक स्टूडेंट ने रिसेंटली मुझे भेजा है, वेन डायग्राम से हमने सॉल्व किया था, काफी आसानी हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को साथ बता दूंगा। चलो, अच्छा आप वेन डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात समझ लो कि वेन डायग्राम में होता क्या है कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल जो है ना सेट के अंदर तो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता था। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता था कि जो भी आपने सेट कंसीडर किए उस सब के एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर मौजूद होते थे, लेकिन यहां पे अगर आप प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करो तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है ना ये रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस मैंने आप लोगों को बताया है कि नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए, मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर आपने मालूम करना हो कि आउटकम कितने, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, जैसे आप वो लूडो का छक्का कहते हैं जिसको असल में डाई उसका नाम है इंग्लिश में, तो उसके छह आउटकम्स होते हैं, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब आ सकता है।
तो यहाँ पे वेन डायग्राम में रेक्टेंगल जो है वो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब उसके अंदर आप सर्किल बना रहे होते हो। नॉर्मली जो आपके सेट होते हैं वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं, लाइक कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, कुछ उनके अलग हैं। तो नॉर्मली जब वेन डायग्राम आप बनाते हो, अगर आपको गिवन ना हो कि सेट डिसजॉइंट है, क्या है, सबसेट है, तो आप ओवरलैप की कंडीशन ही बना रहे होते हो। तो अगर किसी दो इवेंट की बात की जा रही है तो आप दो इस टाइप के सर्किल बना लोगे, थोड़ा सा ओवरलैप कर लोगे उनके दरमियान। अगर तीन की बात की जा रही है तो फिर तीन आप इस तरीके से एक बना दोगे जिनमें सब कॉमन है। अगर आप तीन बना रहे हो ना तो तीनों में ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या कि पहले और तीसरे में कुछ ना कुछ हिस्सा ओवरलैप करना चाहिए, दूसरे और तीसरे में कुछ ना कुछ, जैसे पहले और तीसरे में ये वाला हिस्सा ओवरलैप हो रहा है, पहले और तीसरे सर्किल में कॉमन रीजन ये वाला है, इसी तरह दूसरे और तीसरे में कॉमन वाला रीजन ये वाला है पूरा, इसी तरीके से पहले और दूसरे में कॉमन वाला रीजन ये है। तो आपने इस तरीके से बनाने होते हैं तीन सर्किल के आपस में कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, और तीनों का भी एक कॉमन रीजन होना चाहिए, वो ये है जो ये वाला रीजन जो है। अगर आप ये वाला रीजन देखो तो ये तीनों सर्किल में कॉमन है। तो जब तीन इवेंट की बात की जाएगी तो आप इस टाइप के बनाओगे, जब दो इवेंट की बात की जाएगी तो मैंने बताया था उस टाइप के आप बना रहे होगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल होता और आपको बोला जाता कि तीनों के इंटरसेक्शन वाला रीजन बताओ, तो आप क्या करते, बाकी सब रीजन को मिटा दो, सिर्फ ये वाला रीजन जो है इसको शेड कर देते। मतलब वेन डायग्राम में जो रीजन शेड हुआ है ना वो रिप्रेजेंट करता है आपका रिक्वायर्ड, जो सवाल में लिखा होगा ना इंटरसेक्शन का बताओ, तो जो शेड होगा रीजन इसका मतलब वो इंटरसेक्शन का रीजन है। तो शेड करके आप बताते हो कि रिक्वायर्ड इसका आंसर क्या है, या जो आपको सवाल बोला होता है वो आप शेड के जरिए से जवाब दे रहे होते हो वहां पे। अब आज इसको प्रोबेबिलिटी में उन्होंने किस तरीके से मेंशन किया है, उन्होंने बोला वेन डायग्राम आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ी अच्छी है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और थोड़ी बेसिक बेसिक बातें उन्होंने बताई हुई है। अब एग्जांपल नंबर वन पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर वन में क्या बोला हुआ है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन द फर्स्ट क्वाइन। दो क्वाइन है, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है कि एक्सपेरिमेंट में पहला क्वाइन और दूसरा क्वाइन टॉस किया गया है। अब इसका सेंट्रल स्पेस क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो, जब आपको कोई बोले कि यार एक क्वाइन और दूसरा क्वाइन हमने टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है कि भाई पहले कॉइन पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे भी हेड आ जाएगा, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल। तो जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो ये दोनों पे आउटकम आपके आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई आउटकम एग्जिस्ट नहीं कर पाओगा। तो उन्होंने क्या बोला, अब ये है सैंपल स्पेस का सेट। अब डिफाइन किया जाएगा जिन इवेंट की ये बात कर रहे हैं, ये किन इवेंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक इवेंट ए है और वो इवेंट क्या है, टेल आना फर्स्ट क्वाइन पे, कि फर्स्ट क्वाइन पे टेल आना चाहिए। तो अब फर्स्ट क्वाइन पे आप देखो किस किस आउटकम में टेल आ रहा है, इस पे और इस पे, ये वो दो आउटकम हैं जिसमें पहले क्वाइन पे आपके पास टेल आ रहा है। दूसरे पे हेड आया या टेल आया उसमें गलत नहीं है, पहले क्वाइन पे टेल आना चाहिए। और बी एक ऐसा इवेंट है कि गेटिंग टेल ऑन द सेकेंड क्वाइन, वो कह रहे हैं कि बी एक ऐसा इवेंट कि जिसमें दूसरे क्वाइन पे टेल आए। अब दूसरे क्वाइन पे यहां पे टेल आ रहा है और यहां पे आ रहा है, तो अब ये वो दोनों इवेंट हैं जिनके मैंने लिखे हैं कि इस इवेंट को कौन से आउटकम फेवर कर रहे हैं। अब बोला हुआ क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब बताओ कि ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म होते हैं। एक साथ परफॉर्म होने का मतलब कि पहले आउटकम पे टेल आ जाए, मतलब पहले क्वाइन पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी टेल आ जाए, क्योंकि पहला इवेंट क्या था, पहले क्वाइन पे टेल आना, दूसरा इवेंट क्या था कि दूसरे क्वाइन पे टेल आना। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा कि पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नॉर्मली इसका जो मतलब लिया जाता है ना, अनलेस अगर आपको बता दी जाए कि सेट डिसजॉइंट है या नहीं है, ये मैं शायद आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे जाके टॉपिक्स में ये बात आएगी कि ए यूनियन बी में नॉर्मली तीन पॉसिबिलिटीज आती है कि ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उनके दरमियान कॉमन होते हैं। जैसे आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं, टेल हेड जो है वो जस्ट ए का एलिमेंट है, हेड टेल जो है वो बी का एलिमेंट है, जबकि टेल टेल जो है वो दोनों सेट के एलिमेंट है, मतलब इंटरसेक्शन है इनकी। तो ए यूनियन बी में तीनों पॉसिबिलिटी आती हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या है कि या तो इवेंट ए परफॉर्म हो जाए या इवेंट बी परफॉर्म हो जाए। अच्छा मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है और यूनियन का मतलब और होता है, जब आप सवालों में सॉल्व कर रहे हो शायद ही मैंने बात बताई हो, मुझे नहीं पता, नहीं बताई तो आप लोग सुन लो कि अगर ए और बी लिखा होता तो तब भी मतलब होता ए यूनियन बी, अगर ए एंड बी लिखा होता तब मतलब होता ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रोबेबिलिटी में आ रही होती है।
तो खैर अब है रही बात प्रोबेबिलिटी बताने की। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से आप बता सकते हो, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। मैं पहले वैसे बता देता हूं, फिर वेन डायग्राम का भी देख लेंगे कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप ये जो इवेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इस इवेंट का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों एक साथ परफॉर्म हो, तो ये ए की आउटकम में दोनों एक साथ परफॉर्म होंगे। अगर आपके पास टेल टेल आते हैं तो ए भी परफॉर्म हो जाएगा, बी भी परफॉर्म हो जाएगा। तो इस इवेंट को ए केस ही फेवर कर रहा है, जबकि टोटल आउटकम क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, टोटल आउटकम 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या हो जाएगी, 1/4। फिर दूसरे नंबर पर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कि यार ये जो इवेंट है ना ए यूनियन बी, इसका मतलब होगा या तो ए परफॉर्म हो जाए या बी परफॉर्म हो जाए, दोनों एक साथ भी परफॉर्म हो सकते हैं। तो इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं, इसको 3 केस फेवर कर रहे हैं, टेल है टेल टेल है टेल, और टोटल आउटकम कितने 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। अब ये बात आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बड़े आसान प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ये, आपको आंसर में मिल जाएंगे, पेज नंबर 203 पे इन्होंने आंसर लिखा हुआ है टॉप पे। लेकिन अब वो वेन डायग्राम से इनको कैसे सॉल्व करोगे वो भी आप देख सकते हो। वेन डायग्राम यहाँ पे कैसे बनेगी, अगेन दो इवेंट की बात की गई है, तो आप बनाओगे दो ओवरलैपिंग सर्किल, पहले को नाम दे दो ए, दूसरे को नाम दे दो बी, और ये जो है ये सेंट्रल स्पेस का पूरा। अब ए इवेंट के अंदर कैसे, जो कॉमन वाले होते हैं वो दरमियान में आप लिखते हो। ए के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक है टेल हेड और एक है टेल टेल। अब टेल टेल आप ऊपर नहीं कहीं लिख देना या नीचे नहीं लिख देना, टेल टेल आप लिखो कि आपको पता चल रहा है ना टेल टेल कॉमन है, तो आप इस वाले रीजन में टेल टेल लिखो। इसी तरीके से बी के अंदर आप हेड टेल लिख दो, लेकिन टेल टेल जो है वो ऑलरेडी आपने यहां पर लिखा हुआ है। ये टेल टेल जो है ये ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। तो ये 3 आउटकम हो गए, जबकि सैंपल स्पेस में 4 थे ना, कौन सा मिस हो गया, हेड हेड, तो मैं बाहर लिख रहा हूं। बाहर लिखने का मतलब कि हेड हेड जो है ना सेंट्रल स्पेस के अंदर है, लेकिन ए और बी में से किसी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसको बाहर लिखते हैं। तो अब आपको अगर बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप वेन डायग्राम में जाओगे, आप देखोगे यार ओवरलैपिंग वाले रीजन में कितने केस लिखे हुए, ओवरलैपिंग वाले रीजन में एक ही केस लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 4 है। अगर आपके पास वेन डायग्राम बनी हो ना और बाकी कुछ डाटा ना गिवन हो, वेन डायग्राम का एक फायदा वहां पे बड़ा अच्छा होता है कि आपको कोई डाटा ना गिवन हो, आपको बस वेन डायग्राम दी हो और उससे बोला जाए कि भाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप देखोगे इंटरसेक्शन में एक है और ओवरऑल कितने आउटकम मेंशन है 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर आप कहोगे अच्छा इंटरसेक्शन वाले रीजन कौन से थे वाला, फिर आपको बोला जाए ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए यूनियन बी दोनों सर्कल को आप शेड कर दो, ये दोनों सर्कल जो है ये शेड होंगे। ए यूनियन बी अगर बोला जाता ना सेट के अंदर, तो इसका आंसर क्या होता है कि आपने दोनों सर्कल को शेड कर देते। तो ए यूनियन बी के अंदर कितनी चीजें आ गई, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 4। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल है, ये भी एस वेन डायग्राम के बगैर हो सकता है, लेकिन खैर लिखा हुआ उन्होंने कि 40 एग्जांपल नंबर 2 है, 40% ऑफ द स्टूडेंट एट अ लोकल कॉलेज बिलोंग टू अ क्लब। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज में भी जाओ ना, वहां पर सोसाइटीज बनी हुई होती है, एनडी में काफी सोसाइटी थी, मैं तो खैर किसी से भी हिस्सा नहीं लिया, पता नहीं आई मैगी होती थी और ऐशरे होती थी, डिफरेंट सोसाइटीज बनी होती थी। तो कंसिडर कर लो 40% स्टूडेंट जो है वो सोसाइटीज में, जिनको क्लब का नाम दिया उन्होंने, उनके शायद क्लब हो, खैर मुझे क्या पता। 50% जो है वर्क पार्ट टाइम, कि 50% जो है वो काम कर रहे हैं बाकी क्लब जा रहे हैं, अब वो क्लब में काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता भाई। तो 40% क्लब में, 50% वर्क पार्ट टाइम, एंड 5% ऑफ द स्टूडेंट वर्क पार्ट टाइम एंड बिलोंग टू क्लब। तो कह रहे हैं कि 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं और साथ साथ क्लब में भी जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम दैट अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू द क्लब एंड वर्क्स पार्ट टाइम। के प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्टूडेंट पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं और क्लब भी जा रहे हैं, दैट अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू क्लब और वर्क टाइम। के प्रोबेबिलिटी निकालो कि स्टूडेंट या तो क्लब जा रहे हैं या फिर वो काम करने जा रहे हैं। और का वर्ड आ गया, और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये वेन डायग्राम से आपने सारा चीज ओपन करना है। अब जरा देखते क्या करना है। अच्छा एग्जांपल के अंदर ना, एग्जांपल नंबर 1 में अगर आपको सवाल पेपर में नजर आ जाए ना, वेन डायग्राम के जरिए से आपने सॉल्व करना है, तो जैसे पहला वाला केस है ना, आपने ये कुछ डाटा बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है, चाहो तो सैंपल स्पेस आप लिख सकते हो, बाकी ए बी तो सब आपने डायग्राम में शो किया होगा। तो जब पहला वाला केस ए इंटरसेक्शन बी वाला निकाल रहे होगे ना, तो आप शेड कर देना इसको जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन वाली की निकाल लेना, तो चलो शेड कर देना उसको। वैसे शेड वाला काम तो आप सेट के अंदर करते थे, लेकिन यहां पे भी जो रीजन आपने पिक किया उसको आप शेड कर दो और उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। तो एक वेन डायग्राम आप बनाओगे जैसे बुक ने बनाई हुई है, एक वेन डायग्राम बनाना, शेड करना, साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर देना। फिर दूसरी वेन डायग्राम बनाना, दूसरे में ए यूनियन बी था, मतलब दोनों सर्कल को आपने शेड करना है, तो शेड करना, साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन कर देना।
जैसे बुक वाले लिखा हुआ ना ए यूनिट बी के अंदर फलाने सेट आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक आ रहा है, उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है उसकी, तो इसी पैटर्न पे आप पूरा कर लेना। मेरा काम समझाना है, बाकी स्टेप स्टेप देख लेना यार, इतना दिमाग नहीं है मेरा कि मैं स्टेप भी समझाऊं आप लोगों को, और इधर मैटर भी नहीं कर रहे होते। अच्छा ये सवाल जो है इसकी रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आ गया था, तभी वो कट लग के मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये तकरीबन आप लोगों ने सवाल समझ लिया था, कहाँ चलाइए, हाँ ये तकरीबन सवाल आप लोगों ने समझ लिया था। सवाल कुछ ऐसा था कि एक स्कूल है जहां पे 40% दोबारा इसको जरा समझ लेते हैं, कौन सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 203 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 203 एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें सिचुएशन ये थी कि वेन डायग्राम के जरिए से आपने सॉल्व करना था, और सिचुएशन ये थी कि 40% बच्चा जो है वो क्लब जाता है, 50% बच्चा जो है वो पार्ट टाइम काम करता है, और 5% जो है वो दोनों काम करता है। तो वेन डायग्राम शायद मैंने बता दी थी या नहीं बताई थी, दोबारा देख लेते हैं कि मैंने इसमें ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था, अगर नहीं दिया दोबारा सुन लो, कि वेन डायग्राम के अंदर जब ये बात बोली जाती है ना, कोई भी आप सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और अगर आपको बोला गया कि 40% बच्चा जाता है क्लब में, ठीक है कंसीडर कर लो 40 बच्चों की बात की जा रही है, परसेंट को छोड़ दो, जो 50% है वो पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, W या T से चलो रिप्रेजेंट कर दो इसको, ठीक है, और 5 बच्चा जो है वो दोनों काम कर रहा है, बोथ कर देते हैं। तो जब आप वेन डायग्राम बनाते हो ना, तो वेन डायग्राम में जो पूरा सी का सेट है इसके अंदर 40 होंगे, और ये जो टी का सेट है इसके अंदर 50 होने चाहिए। तो बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 45 और 50 कर देते हैं, जो कि गलती होती है, क्योंकि अब सी के अंदर 45 लोग आ गए और टी के अंदर 55 आ गए। तो उसकी वजह ये होती है कि जो 5% है ना, ये आपने पहले दोनों में काउंट किए हुए थे, ये 5% बच्चे यहाँ पे भी काउंट हुए हैं, ये 5% बच्चे यहाँ पे भी काउंट हुए हैं। तो एक तो ये गलती होती है, दूसरी गलती होती है कि बच्चे समझते हैं कि यार ये 40 + 50 ओवरऑल, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है, 40 क्लब जा रहे हैं, 50 पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, तो टोटल 90 स्टूडेंट हो गए, बाकी 10 जो है वो कुछ और कर रहे होंगे। नहीं, टोटल 90 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 आपने यहाँ पे भी गिने हैं, ये 5 आपने यहाँ पे भी गिने हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, वेन डायग्राम भी आप सही बना दोगे, और ये डायरेक्ट ऐड करने वाला मसला भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 5% आपने यहाँ पे भी काउंट किए हैं, ये 5% आपने यहाँ पे भी काउंट किए हैं। तो वेन डायग्राम आप किस तरह बनाओगे पहले उसको देखते हैं, कि आप यहाँ पे लिखोगे 35, अब जब आप ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 45, कि जब आप इसमें ऐड करोगे 45 + 5 ये 50 हो जाएगा, तो ये मसला तो हल हो जाएगा। और जहां तक दूसरे मसले की बात है, अब टोटल आप किस तरह गिनोगे, वेन डायग्राम के जरिए से भी टोटल गिन सकते हो, या वैसे भी आप गिन सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 5 बच्चे यहाँ पे भी काउंट है, यहाँ पे भी काउंट है, तो आप किसी एक में से उन 5 बच्चों को निकाल दो, एक ही दफा काउंट करना है ना, 2 दफा क्यों काउंट कर रहे हो। तो एज्यूम कर लो मैं 5 बच्चे यहां से निकाल देता हूँ, तो इसको मैं 35 बोल देता हूँ, अब आप 35 और 50 को ऐड करो, ये हो जाएंगे 85। तो उसका मतलब 100 में से 85 बच्चा यही काम कर रहा है, 15 बच्चा जो है वो कुछ और कर रहा होगा जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया था। और अगर आप वेन डायग्राम में डायरेक्ट ऐड करो तब भी आप इस चीज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 85 है जिनकी बात की हुई है उन्होंने, तो डायरेक्ट ऐड करने वाला काम ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो आपको मालूम करने को उन्होंने बोला हुआ ये है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो स्टूडेंट दोनों काम कर रहे हैं, मतलब क्लब भी जा रहे हैं और पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अच्छा देखो, यहाँ पे आप निकाल लो वेन डायग्राम के जरिए से, तो यहाँ पे आपको क्लब और इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत है नहीं, बुक ने निकाली भी, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग से निकालने की जरूरत है नहीं। ये जरूरत आपको पड़ेगी जब आप वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करते, आप यहाँ पे जो पार्ट नंबर 2 है उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में ए यूनियन बी वाला केस है कि या तो क्लब या वर्क है, तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन वो फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, वो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप वेन डायग्राम से सॉल्व करो तो यहाँ पे अलग इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक ने निकाली हुई है तो चलो डिस्कस कर लेते हैं उसको। कि उन्होंने सबसे पहले निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, अब देखो इसको सिंपल इस तरह समझो कि परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज में फर्क होता है। जैसे सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 40% बच्चे जो है ये जाते हैं क्लब में, अब यहां तक बात अगर रहे तो 40% कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक तो उन्होंने परसेंटेज एक स्टैट आपसे शेयर किया है, लेकिन जब आगे बात आपसे बोलते हैं ना कि यार प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पिक करें, यहां पे पिक करने वाला वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका ही है कि अगर हमको एक स्टूडेंट यहां से उठाएं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट अगर हम उठाएंगे तो क्या चांसेस है वो क्लब जाता होगा, ये आप कैसे निकालोगे।
ये जो उन्होंने आपको एक स्टैट दिया हुआ है कि 40% बच्चे जा रहे हैं, इसको आप इस तरह समझो क्योंकि उन्होंने शेयर नहीं किया कि एक्चुअल क्लास में बच्चे कितने हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बच्चे हैं तो 40 क्लब जाते होंगे, 50 हैं तो 20 जाते होंगे, या फॉर एग्जाम्पल अगर 200 हैं तो 80 जाते होंगे। ये स्टैट उन्होंने आपसे शेयर किया है, तो मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल ये तो वही बात है ना, ये उन्होंने एक एग्जैक्ट चीज बताई भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ही है 40% का। मतलब इसको इस तरह समझो कि अगर एक बास्केट है उसके अंदर मार्बल्स पड़े हुए हो, ब्लू मार्बल्स हैं, रेड मार्बल्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्लू मार्बल जो है वो 80 हैं, टोटल आपके पास 200 मार्बल हैं। तो अगर मैं बोलूं ब्लू मार्बल उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवरेबल कितने, 80 ब्लू मार्बल है डिवाइडेड बाय टोटल कितने, 200। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या आ जाएगी, 0.4। तो कहने का मतलब यहां पे जो उन्होंने स्टैट शेयर किया है ना 40%, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इस सवाल को थोड़ा गौर से देखो ना, बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है इन चीजों के अंदर, लेकिन मैं इसलिए क्लियर करके आप लोगों को बता रहा हूं कि सवाल किसी के जहन में आएगा यार ये तो एक स्टैट शेयर किया था, जबकि प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने क्या पढ़ा था, चांसेस किसी चीज के होने के, जबकि 40% चांस तो नहीं था, ये तो 40% बताया हुआ था उन्होंने कि यार ये बच्चा क्लब जाता है। तो इसी चीज को मैंने रिलेट किया कि जब आप एक स्टूडेंट को उठाओगे तब आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को पिक करूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लब जाता होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे जो 40% सवाल में उन्होंने गिवन किया हुआ था कि 100 में से 40 बचा जा रहा है, 200 में से 80 बचा जा रहा है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आ रही होगी, 0.4 आ रही होगी। इसी तरीके से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वर्क पार्ट टाइम काम करने की तो आपके पास 0.5 आ रही होगी, क्योंकि 50% बच्चा जा रहा है। तो वही बात है, अगर 200 है तो 100 जा रहा है, 100 है तो 50 जा रहा है। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को उठाओ और वो मालूम करो क्या चांसेस हैं, मतलब 50% चांसेस है ना कि वो पार्ट टाइम वर्क कर रहा होगा, इनकी जरूरत नहीं है। मैंने बताया वेन डायग्राम से आप सॉल्व कर सकते हो जो उन्होंने पार्ट बताए हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है, चांसेस बताओ कि यार दोनों जा रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर आप किसी स्टूडेंट को उठाओ क्या चांसेस हैं कि वो क्लब भी जा रहा हो पार्ट टाइम वर्क भी कर रहा हो। ये सवाल में उन्होंने वेन डायग्राम जरिए से ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि 5% बच्चा जा रहा है। तो 5% को इस तरह समझो कि अगर 5% का मतलब होता है 5 per 100, तो अगर 100 बच्चा है उसमें से 5 जा रहा है, 200 बच्चा है तो उसमें से 10 जा रहा है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/100 या 10/200, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0.05 होगी। तो वेन डायग्राम के जरिए से इसको सिंपल इस तरह समझ लो, 5% को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, पार्ट वन आसानी से आपका वेन डायग्राम से हो सकता है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी वेन डायग्राम से हो सकता है। पार्ट नंबर 2 में बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो क्लब भी जाते हो या वो पार्ट टाइम वर्क करते हो, मतलब और की कंडीशन ही बोली गई ना सवाल में कि दैट अ स्टूडेंट बिलोंग टू क्लब और वर्क पार्ट टाइम, तो और जहां भी आ जाए समझ जो यूनियन की बात हो रही है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, इसके अंदर तीनों कैटेगरी आती है, ये जो और या यूनियन की बात की जाती है ना इसमें तीनों कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है कि आप बच्चे क्लब जा रहे होंगे, एक ऐसे बच्चे होंगे जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे होंगे, एक ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों काम कर रहे होंगे। ये और के अंदर ये तीनों कैटेगरी यहां पे शुमार हो रही होती। तो अगर आप देखो 35, 5, 45, ये कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। जो सवाल के स्टार्ट में मैंने बताया था बच्चे डायरेक्ट 40 और 50 को ऐड कर देते हैं, 90 कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो 85% बच्चों की बात की गई है। अगेन वही बात है कि अगर आप एक क्लास में जाओगे और उस क्लास में इनकी सिचुएशन के मुताबिक अगर 100 बच्चे हैं तो 85 कोई ना कोई इनमें से काम कर रहे होंगे, 85 बच्चे। इसी को अगर आप डबल भी कर सकते हो, 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 170। अगर 200 बच्चे हैं तो 170 जो हैं वो या तो क्लब जा रहे होंगे या पार्ट टाइम वर्क कर रहे होंगे, दोनों कर रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे सिंपल, 85% को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 0.85 हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम के जरिए से आपने अपने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। बुक में से एग्जाम्पल खत्म हो गई है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली भी भेजा था एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल था, मैं आप लोगों को वो करवा देता हूँ साथ साथ आप लोगों को। वो प्रोबेबिलिटी का आगे सवाल नहीं था, वो सिंपल वेन डायग्राम से आप नंबर ऑफ बच्चे निकाल रहे थे, बस ये समझ लो। जरा देखते हैं उस सवाल को करते हैं ताकि मजीद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी नहीं, ये वाला मैसेज दूसरा वाला नंबर होगा। हाँ ये सवाल बेफर में द एनएडीएन फोरम, एनएडी एडमिशन सेल जो है एक सिस्टम है, ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, शायद उनका सवाल है ये। तो सवाल क्या था, इन अ स्कूल हैविंग 200 स्टूडेंट, कि टोटल जो है वो 200 बच्चे हैं, सही है। 100 प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, 100 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 70 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं, 70 खेलते हैं। एंड 60 प्ले बोथ, 60 जो है वो बोथ प्ले कर रहे हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, आप ये नहीं बोल सकते कि इस स्कूल में 100 प्लस 70 करो तो 170 का मतलब कि इसमें से मतलब टोटल 200 में से 170 ऐसे बच्चे हैं जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या वो क्रिकेट खेलते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इनमें कॉमन है
ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कॉमन आ रहा है। 60 बच्चे जो है ना उनको आपने यहां पे भी काउंट किया, यहां पे भी काउंट किया, क्योंकि 60 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं आपने उनको यहां पे शामिल किया हुआ। अच्छा 60 बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं आपने उनको यहां पे भी शामिल किया हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे इसका मतलब आपने गलती कर दी है, आपने इस चीज कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा। सवाल क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। वो कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे बताओ कि ना फुटबॉल खेलते ना वो क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं और कहते हैं 200 - 170 30। तो 30 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ओवरऑल कितने बच्चे हैं भाई। ओवरऑल 200 बच्चे हैं, दो आप ओवरलैपिंग के बना लो, इसको आप कह दो फुटबॉल, इसको आप कह दो क्रिकेट। अब 100 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन उसमें से ये जो 60 बच्चे कॉमन है ना, तो आप कॉमन वाले हिस्से को निकाल देते हो। तो 100 - 60 - 40 जो कॉमन है वो आप यहां पे पुट कर दो, और 70 - 60 - 10। अब अगर आप देखो ये चीज बैलेंस है कैसे, अगर आप फुटबॉल के अंदर देखो 40 और 60 100 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट के अंदर देखो 10 + 60 - 70 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसमें से 60 बच्चे कॉमन है जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये इसकी करेक्ट डायग्राम है। तो अगर आप इन बच्चों को ऐड करो 40, 60, 100, 100 और 10, ये 110, इसका मतलब ये वो 110 बच्चे हैं तो या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या वो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो दोनों खेल रहे हैं। इस तरीके से आप काउंट करते हो। तो वेन डायग्राम से बात और अच्छे तरीके से आपको समझ आती है। वेन डायग्राम के बगैर भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो लेकिन वेन डायग्राम और आपकी आसानियां पैदा करती है। तो अब अगर आपने मालूम करना था कितने ऐसे बच्चे जो कुछ भी नहीं खेल रहे, तो 200 में से आप 110 माइनस करो 90, और 90 ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहां पे कुछ भी नहीं खेल रहे, ना वो क्रिकेट खेल रहे ना वो फुटबॉल खेल रहे। उसके बाद बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है ट्री डायग्राम के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि ट्री डायग्राम से आपने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। अब ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अच्छा है, खास तौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे फायदा देगा जहां पे डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, फायदा होता है आपको। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का इसको भी मैं बता देता हूं यहां पे। क्या टॉपिक है भाई कि हाँ ट्री डायग्राम के जरिए से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ट्री डायग्राम के बारे में आपको सब पता है। सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 203 पे, देयर आर 11 बॉल्स इन अ बास्केट इन विच 3 बॉल्स आर रेड 8 बॉल्स आर ब्लू। 8 ब्लू है 3 रेड है। ड्रॉ 2 बॉल्स 1 एट अ टाइम, आपने एक बॉल उठानी है फिर दूसरी बॉल उठानी है विद रिप्लेसमेंट, बताता हूं क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ 3 डायग्राम, अच्छा हाँ विद द हेल्प ऑफ 3 डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ बी आर ब्लू रेड शेयर, इसका मतलब है आउटकम्स एंड मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे आई गेस, और फिर उन्हें बाकी बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो जरा सवाल को समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोग आगे भी देखोगे, एक कार्ड के अंदर और बॉल्स के अंदर नॉर्मली यूज होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट चीज होती है वो, जबकि विदाउट में वो डिपेंडेंट बन जाती है। इस तरह कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 11 बॉल्स हैं, मैं पहली वाली बॉल निकालता हूं। अच्छा यार यहां पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, वरना इन सवालों को कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाता था, लेकिन यहां पे आप एक बॉल उठा रहे होते हो। ज्यादातर सवालों में आप देखोगे, बल्कि मुझे कोई ऐसी एग्जांपल मिली नहीं है कोई क्वेश्चन आपकी 6.4 में जिसमें दो बॉल उठा रहे हो, एक बॉल उठा रहे हैं। अब एक बॉल में किसी कॉम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, वरना सवाल बड़े मुश्किल होते थे। लेकिन बहरहाल यहां पे पता नहीं कितनी बॉल उठा रहे हैं, यहां भी एक ही बॉल उठा रहे हैं ना एट अ टाइम, और रख भी दे उनको, इतना आसान कर दिया उन्होंने सवाल। लेकिन बहरहाल इसको मैं डिफरेंट अंदाज से सॉल्व करते हैं, फिर हम ट्री डायग्राम से भी सॉल्व कर लेंगे कि आप सब समझो सिचुएशन को कि 11 बॉल्स हैं आपके पास, आपने एक बॉल उठाई है। सबसे पहली बात कि जो आपने बॉल उठाई है वो ब्लू हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सिंपल है भाई, 11 बॉल है तो डिनोमिनेटर में 11 आएगा, कितनी ब्लू है 8 है, तो इसका मतलब 8। तो अगर आप 11 में से 8 बॉल, 11 में से अगर आपने एक बॉल उठाई है और आपसे बोले कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ब्लू हो, तो सिंपल 8/11 वहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा वो एक बॉल जो आपने उठाई है वो रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/11, ठीक है, ये पहली बॉल आपने उठाई है। अब किया क्या आपने, पहली बॉल उठा के दोबारा अंदर रख दिए, वरना जब आप पहली बॉल उठाओगे तो अंदर कितनी रह जाएंगी? 10। अगर आप उठा के उसको साइड पे फेंक दोगे, अब जब आप दूसरी बॉल उठाओगे ना तो डिनोमिनेटर आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप 10 बॉल रह जाएंगी उसके अंदर। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ना जब आप बॉल फेंक देते हो दोबारा रखते नहीं हो, तो वो डिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि जो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो पहले पे डिपेंड कर रही है कि यार पहली को आपने बॉल को अंदर रख दिया या बॉल को बाहर फेंक दिया, तो ये डिपेंडेंट बन जाएंगे अगर आप फेंक दोगे उसको। लेकिन अगर आपने दोबारा उसको उसके अंदर शामिल कर दिया, अब वो डिपेंडेंट नहीं बनेंगे। मैं बोलता हूं मैंने बॉल उठाई थी, प्रोबेबिलिटी ये थी ब्लू रेड की, अब मैंने उसको दोबारा रख दिया। अब मैं बोलूं जब मैं दूसरी दफा ब्लू उठा रहा हूं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आप बोलोगे सर दोबारा 8/11 है, रेड की क्या है? दोबारा 3/11 है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ, जो उन्होंने सवाल लिखे हैं, आप जरा उन सवालों को सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि
आर 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 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब पहली दफा भी रेड आया दूसरी दफा भी रेड आया। अब दोनों काम एक साथ हो रहे ना, पहली दफा भी दूसरी दफा भी दोनों दफा, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। अगर होता और अभी आएंगे सवाल तो फिर आप ऐड कर रहे होते। तो पहली दफा प्रोबेबिलिटी 3/11 है, दूसरी दफा भी 3/11 है, सॉल्व करो ये हो जाएगा 9/121 के 9/ बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 0.1 समथिंग कुछ होगी कि इतनी कम चांसेस हैं कि जाहिर सी बात है कि तीन ही रेड है 11 में से, तो पहली दफा भी रेड आए और दूसरी दफा भी रेड आए, बहुत कम चांसेस है इस चीज के। दूसरा क्या है, कैलकुलेट करो आरबी बी आर। आरबी का मतलब पहले में रेड दूसरे में ब्लू, बी आर का मतलब पहले में ब्लू दूसरे में रेड। अब पहले में रेड दूसरे में ब्लू आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/11, दूसरे में ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 8/11, मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 24/120। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि पहले में आपके पास रेड आ जाए जब आप पहली बॉल उठाओ और दूसरे में आपके पास ब्लू आ जाए। और इसके साथ यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन लिखते या और लिखते एक ही मतलब होता। अब ये दूसरी चीज लिखी हुई है कि पहले में ब्लू आ जाए और दूसरे में रेड आ जाए। अगर पहले में ब्लू आएगी तो 8/11 प्रोबेबिलिटी, दूसरे में रेड आएगी 3/11। अभी भी आप सॉल्व करो 24/120 का। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे भाई, या तो पहले में रेड दूसरे में ब्लू आएगा या पहले में ब्लू दूसरे में रेड आएगा, एक साथ तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब आप ऐड कर रहे होगे इनको, तो इसको ऐड करोगे हो जाएगा 48/120। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है और ये थोड़ी ज्यादा है क्योंकि सेंस भी बना रहा है कि इसमें दो चीजें दो कॉन्सेप्ट आ गए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें वो वाले आउटकम नहीं होंगे जिसमें दो बॉलें सेम आ जाए, मतलब दोनों ब्लू आ जाए या दोनों रेड आ जाए, तो ये आने के चांसेस कम ही होते हैं। इसके भी शायद चांसेस हैं लेकिन इसके तकरीबन ये समझ लो 40% चांस है कि जब आप पहली और दूसरी बॉल उठाओगे तो या तो वो रेड ब्लू होगी या वो ब्लू रेड होगी, ज्यादातर यही होगा आपके पास। ज्यादातर तो मैं नहीं बोलूंगा 40% है क्योंकि ब्लू ज्यादा है तो चांसेस इसके हैं कि यार पहली दफा ब्लू आ जाए दूसरी दफा ब्लू आ जाए, इसके चांसेस होंगे। पहली दफा ब्लू दूसरी दफा ब्लू के आने के चांसेस क्या है 64/121 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों दफा ब्लू आ जाए इसके चांसेस ज्यादा है। बहरहाल ये तो खैर प्रोबेबिलिटीज का सारा कॉन्सेप्ट है। अब ट्री डायग्राम के बगैर हर चीज सॉल्व हो रही है इसी तरीके से। अब अगर पेपर में ट्री डायग्राम आ गई तो फिर तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में। पहले कहा मैं आर ऑन फर्स्ट रॉ कि रेड पहली दफा आ जाए और दूसरी दफा बी आ जाए ब्लू आ जाए, कोई मसला नहीं। इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, एंड की बात की गई है। तो पहले में रेड आ जाए 3/11, दूसरे में ब्लू आ जाए 8/11, अगेन 24/121। तीसरे में लिखा हुआ है बी बी, वो तो अभी मैंने करवा देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो सारी चीजें जो है ये मेरे ट्री डायग्राम के बगैर आप लोगों को सॉल्व करवाई है। अच्छा भाई, सब कॉम्बिनेशन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल उठाने वाले सवाल जो होते हैं ना कि अगर 11 बॉल है उसमें से आपने एक उठानी है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 11C1 डिनोमिनेटर इस तरह निकलता है, लेकिन 11C1 11 के बराबर होता है, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर होता ना 11 में से दो बॉल उठानी है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो 11 में से दो उठाने के आउटकम निकालने का फिर एक ही तरीका होगा 11C2। तो तभी मैंने कहा था आप लोगों की बुक में सवाल इतने ईजी है कि उनमें कॉम्बिनेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लिटरली 6.4 में कॉम्बिनेशन शायद हम यूज ही नहीं कर रहे कहीं, जबकि कॉम्बिनेशन ही तो प्रोबेबिलिटी में असल चीज होती थी, नहीं यूज किया हुआ उन्होंने। तो बड़े आसान आपने उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। तो बिल्कुल अगर सवाल आ जाए ना 11 में से आपने दो बॉल उठानी है और सवाल हो कि बताओ प्रोबेबिलिटी के वो दोनों ब्लू हो, तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या होगा, 11 में से दो उठाने के तरीके 11C2। 8 ब्लू है, 8 में से अगर दोनों ब्लू आ जाए कितनी पॉसिबिलिटी है, 8C2 के 8 ब्लू में से दो ब्लू आ जाए इसके कितने तरीके हैं, 8C2, और टोटल कितने तरीके, 11C2। तो इन सवालों को इस तरह सॉल्व करते थे जब एक से ज्यादा आउटकम होते थे, एक से ज्यादा बॉल जब आप उठाते थे। लेकिन अब एक ही बॉल उठा रहे तो खैर अब क्या बोले उसको। अब टी डायग्राम के जरिए आज बुक ने किस तरह प्रूफ किया है, बुक ने सबसे पहले ना टोटल आउटकम लिखे हैं। अब टोटल आउटकम कैसे निकलेंगे, ट्री डायग्राम बनाओगे। ट्री डायग्राम इन्होंने थोड़ी इस टाइप की बनाई हुई है, हम इस टाइप की बना देते हैं। क्या सबसे पहले क्या लिखा है, हाँ फर्स्ट ड्रॉ लिखते हैं, फर्स्ट ड्रॉ। मैंने बताया ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक कॉमन आपका नोड होता है, दो ब्रांचेस आप बनाओ। अच्छा वैसे यहां पे 11 ब्रांचेस बनेगी और यहां पे एज्यूम यही किया जाता है कि ब्लू बॉल्स डिफरेंट है। ये बातें कॉन्सेप्ट काफी मैंने दिए हुए थे पुरानी बुक में कि एज्यूम कर लो कि बॉलों पे नंबरिंग हुई भी है, 1, 2, 3 डिफरेंट होनी चाहिए, वरना फिर वो एक ही चीज होगी। जब सेम ही ब्लू है कोई फर्क नहीं है उनके दरमियान तो मसला हो जाता है। तो हम एज्यूम यही करते हैं कि वो बॉलें डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कहां दिया होगा लेकिन वो एग्जाम्पल मैंने अटैच नहीं की होगी, वो पुरानी बुक में मैंने दी थी है कि भाई आप इनको डिफरेंट मानना होता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, पता नहीं एग्जाम्पल आ रही है सही या नहीं, मजे की आ रही। मैं आपको बोलता हूं कि 12 अंडे हैं और 12 अंडे में से आपको दो उठाने हैं, कितने तरीके से आप 12 अंडों में से दो उठा सकते हो। अब अगर आप
देखो कॉम्बिनेशन और अब मैं समझ नहीं आ रहा किस तरह समझाऊं, कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ वेज ये थोड़ी डिफरेंट बात है। अगर आप कॉम्बिनेशन पे आओ, नॉर्मली एग जो है वो सेम ही होते हैं, एग में आपको कोई डिफरेंट नजर नहीं आता, सेम ही होते हैं ना। एग छोड़ो, बॉल ले लो, 11 बॉल है, 12 बॉल है, सेम ब्लू कलर है सब पे। तो अगर मैं बोलूं कि 12 में से 12 ब्लू बॉल में से दो ब्लू बॉल उठानी है, कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी? एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी। क्यों? उन 12 में से कोई भी दो आप उठा लोगे वो सेम ही ब्लू होंगी। कॉम्बिनेशन तो होते ना डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये लेटर्स है ए बी सी डी, आपने दो के बनाने, तो आप बोलोगे ए बी बी सी सी डी, इस तरह मैं काउंट कर रहा हूं ना, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पे अगर सब चीजें सेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज लिखी हुई है, तो आप बोलोगे सर अगर इन चार में से दो आपने उठाने हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन है, हर दफा ए ए आएगा, एक ही कॉम्बिनेशन मानी जाएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये कर नहीं सकते आप, मसला हो जाएगा ना। कि फॉर एग्जाम्पल 3-8 ब्लू बॉल थी ना, एज्यूम कर लो सारी की सारी सेम कलर की हैं, कोई फर्क नहीं है उनके दरमियान, ब्लू है कोई फर्क नहीं है उनके दर, रेड के अंदर भी कोई फर्क नहीं है। मैं बोलूंगा फिर ब्लू और रेड को उठाने की सेम प्रोबेबिलिटी है क्या? क्योंकि कॉम्बिनेशन अगर आप निकालो, आठ में से अगर आपने एक ब्लू बॉल निकालनी है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर आप उस एंगल से देखो, अगर 8 की 8 सारी ब्लू है, कोई फर्क नहीं है, मैं बोलूं 8 में से मुझे एक उठानी है, आप कहोगे सर हर दफा एक ही चीज आ रही है आपके पास, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी। एज्यूम करो ये 8 ए लिखे हैं आपके पास, मैं बोलूं कि यार इन 8 में से एक मैंने उठाना है, बताओ कितने तरीके से उठा सकता हूं? आप कहोगे सर एक ही तरीके है, क्योंकि आप कोई भी ए उठाओगे सेम ये एक ही कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन एक है लेकिन नंबर ऑफ वेज डिफरेंट है। नंबर ऑफ वेज में आप किस तरह समझोगे? पहला वाला ए आपने उठाया, दूसरा वाला ए, तीसरा वाला ए, ये सबको अलग अलग हम शुमार करते हैं, पोजीशन के हिसाब से हम बताते हैं कि पहला ए है, दूसरा है, तीसरा है। लेकिन कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन ये बन रही होगी। तो यही कॉन्सेप्ट आप लेते हो, जो कि सवाल में गिवन नहीं होता लेकिन इंप्लाइड होता है कि बॉल जो है आप पोजीशन के हिसाब से उनमें फर्क करते हो, या एज्यूम करते हो कि बॉलों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, पहली ब्लू बॉल, दूसरी, तीसरी, इस टाइप की। बारह तो ट्री डायग्राम आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट ड्रॉ में, अच्छा वैसे यहां पे 11 बनेंगे, पहली ड्रॉ के अंदर पहली ब्लू बॉल आ सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, तो 8 यहां पे ब्रांच बनेंगी, फिर 3 रेड की ब्रांच बनेंगी। लेकिन बुक वालों ने टाइम बचाया, जगह बचाई, उन्होंने लिख दिया 8 ब्लू बॉल, कि मतलब जो 8 ब्रांच बननी थी ना उसकी जगह उन्होंने 8 ब्लू बॉल लिख दिया। इसी तरह जो 3 रेड बननी चाहिए थी, असल में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ब्लू, 1 2 3 ये रेड, असल में ये 11 ब्रांचेस बननी चाहिए थी, और फिर हर 11 की मजीद 11 बननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जगह बचा के इस तरह इसको बनाया था। तो ट्री डायग्राम आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वही वाली ट्री डायग्राम है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बचाई है क्योंकि ट्री डायग्राम बहुत बड़ी बनेगी यहां पे। इसी तरीके से ये पहला ड्रॉ है, फिर उन्होंने किया सेकंड ड्रॉ। सेकंड ड्रॉ का वही है कि अगर पहले ड्रॉ में अगर आपकी पहली ब्लू, अब देखो इन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे बच्चों को, अगर आप इस डायग्राम में समझो तो आपको बात समझ आएगी कि टोटल आउटकम कितने होंगे। भाई देखो पहली में अगर कंसीडर कर लो पहली ब्लू बॉल आई है, तो दूसरी ड्रॉ में क्या हो सकता है? दूसरी ड्रॉ में कोई भी 11 में से आ सकती है, क्योंकि आपने बॉल उठा के रख दी है ना दोबारा। तो अगर पहली में अगर आपने ब्लू बॉल नंबर 1 उठाई है, तो दूसरी में अगेन आप 11 में से कुछ भी उठा सकते हो, तो दूसरी ड्रॉ में अगेन 11 पॉसिबिलिटी होंगे। तो 11 आउटकम तो यहां पे बन गए, फिर 11 आउटकम यहां पे, फिर 11 यहां पे, तो पहले में भी 11 आउटकम है, दूसरे में भी 11 है, तो 11 × 11 121। अगर आप टी डायग्राम बनाओगे तो 11 ब्रांचेज यहां पे, 11 यहां पे, 11 यहां पे, करते करते अगर आप काउंट करोगे तो 121 आउटकम्स बनेंगे। लेकिन वो डायग्राम थोड़ी बहुत मुश्किल और टाइम जाया करने वाली होगी, तो उन्होंने आसानी में इस तरह लिखा है कि दूसरे आउटकम में भी आपके पास या तो 8 बॉल आ जाएंगी ब्लू, या 3 रेड आ जाएंगी। इसी तरीके से सेकंड में भी या तो आपके पास 8 ब्लू आ जाएंगी, या आपके पास 3 रेड आ जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने जगह बचाई ली अपनी। और अब उन्होंने बोला है कि टोटल आउटकम हम निकालते हैं कि पहले में ब्लू आ जाए, दूसरे में ब्लू आ जाए, तो 8 × 8 = 64। पहले में ब्लू और दूसरे में रेड आ जाए, ऐसे कितने आउटकम होंगे? ऐसे 24 होंगे, कि पहले पे भी ब्लू आ गया और दूसरे पे रेड आ गया। 8 तरीके से आ सकता है। कैसे? कि पहले पे आपने ब्लू बॉल नंबर 1 उठाया, अब दूसरे पे रेड बॉल नंबर 1, रेड बॉल नंबर 2, रेड बॉल नंबर 3, तो 3 आउटकम ये बन गए। फिर पहले पे ब्लू बॉल नंबर 2, दूसरे पे अगेन वही रेड बॉल नंबर 1, रेड बॉल नंबर 2, रेड बॉल नंबर 3, 3 यहां से बन गए। तो करते करते 24 इस तरीके से बनेंगे। अगेन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 24 इस तरह बनेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 इस तरह बनेंगे। तो ट्री डायग्राम से इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, टोटल आउटकम यहाँ पे निकाले ना। तो आउटकम कितने होंगे आप इनको ऐड कर दो तो 121 बन जाएंगे। और अच्छा जो सवाल में उन्होंने बोला हुआ था ना कि फाइंड द नंबर ऑफ बी आर आउटकम्स, तो मैंने तो आपको टोटल आउटकम्स बता दी ना कि ये 121 टोटल आउटकम्स होंगे, इनको आप लिस्ट करके बता सकते हो, लेकिन 121 बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। तो बी आर आउटकम्स उन्होंने बोला कि लिस्ट करके बताओ, बी आर आउटकम्स क्या होंगे कि पहले पे ब्लू, दूसरे पे रेड, पहले पे ब्लू, दूसरे पे रेड, तो ये 24 है ना, ये लिस्ट करके बताने।
तो ये पेज नंबर 204 पे अपना पूरा लिस्ट करके बताया था ना, 24 हाँ पूरे मेंशन किए हैं, 9 है फिर 18 है, सही है। तो ये पूरे उन्होंने आउटकम मेंशन किए हैं, आप इसको भी देखना, मैंने समझा भी दिए। उसके बाद क्या निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड और रेड की। बड़ा आसान तरीका, पहले पे रेड आ जाए दूसरे पे रेड आ जाए, किस तरह निकालोगे ये वो है, पहले पे रेड दूसरे पे रेड। तो कितने हैं टोटल, 9 है ऐसी पॉसिबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आर आर की, कि टोटल फेवरेबल आउटकम 9 है और ओवरऑल कितने आउटकम्स है 121, तो 9/121। फिर लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी निकालो आर बी यूनियन बी आर की। अब आप डायग्राम पे जाओगे और आप देखोगे, सबसे पहले आर बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, आर बी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 24/121। फिर आप बी आर की निकालो, अगेन 24/121, सॉल्व करो 48/121 आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, लेकिन ट्री डायग्राम के जरिए से आप सॉल्व कर रहे हो। फिर आपको निकालना है आर पहले पे और बी दूसरे पे, मतलब आर बी की, अगेन आर बी की क्या हो जाएगी 24/121। फिर आपको बोला गया बी बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पहले पे बी दूसरे पे बी 64 आउटकम्स है, तो 64/ टोटल कितने हैं 121। तो ट्री डायग्राम आपने बनाई और ट्री डायग्राम के जरिए से आपने सब सवालों को सॉल्व कर दिया, जो कि आप ट्री डायग्राम के बगैर भी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन फालतू में सिलेबस बढ़ाने के लिए उन्होंने, मतलब कहीं तो काम होता है लेकिन यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल में खास तौर पर, आप ट्री डायग्राम से सॉल्व करो, वैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आप ट्री डायग्राम बनाओगे, और ट्री डायग्राम बनाने के बाद जो बुक में उन्होंने जिस तरह सॉल्व किया है ना, कि ट्री डायग्राम के जरिए से आपने ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाली है, इसी तरीके से आप मेंशन करोगे। रही बात एग्जाम्पल नंबर टू की, एग्जाम्पल नंबर टू कार्ड के, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, ये जो कार्ड का टॉपिक है मैंने कॉम्बिनेशन के अंदर समझाया था, जो इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशन था ना उसके अंदर मैंने कार्ड्स के बारे में डिटेल आप लोगों को बताए थे, सब कार्ड्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इनमें टाइप्स आती हैं। तो अगेन अब देखो एग्जाम्पल नंबर टू जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब इसको आप बोलोगे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा कि वहां पे आप रिप्लेस मतलब कार्ड को उठाओगे और साइड पे रख दोगे, दोबारा उसके अंदर नहीं डालोगे, अब ये वाली पॉसिबिलिटीज आ रही है आपके पास। अब इसमें क्या होगा, सवाल क्या वैसे, इन अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं, 40 कार्ड होते हैं, हाँ मालूम है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम, एकदम से अक्षय कुमार मेरे जहन में आ गया था, हाँ मालूम है तेरे बाप को मत बता, टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट यूजिंग ट्री डायग्राम, कि भाई दो कार्ड्स आपने उठाने हैं एक साथ नहीं, एक एट अ टाइम आपने उठाने, लेकिन रिप्लेस नहीं करना उनको, एक उठाया साइड पे, उठाया साइड, मतलब एक दफा उठाया साइड पे कर दिया और दूसरी दफा उठाया, यूजिंग ट्री डायग्राम FN और NF की प्रोबेबिलिटी आप बताओ। सबसे पहले तो हम जरा ट्री डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, अगेन ट्री डायग्राम के बगैर वैसे भी सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन ट्री डायग्राम के जैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कैसे सॉल्व होगा भाई, 52 कार्ड्स हैं, 40 जो है वो फेस कार्ड नहीं होते, मतलब 40 जो है उनका आप बोलते नंबर कार्ड, उनपे नंबर लिखे हुए होते हैं, एस पे नंबर होता है नहीं होता, एस पे नंबर नहीं होता है, तो 40 जो है वो नंबर कार्ड नहीं, नंबर कार्ड अलग होते हैं, 2 से लेके 9 तक जाते हैं, 10-11 नहीं, 2 से लेके 10 तक जाते हैं, तो 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, टोटल 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। तो ये 40 को आप ये समझ लो कि फेस कार्ड नहीं है, और 12 जो है वो फेस कार्ड है। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जिन पे फेस बना हुआ होता है भाई, जैक किंग क्वीन फेस बने होते हैं इसके ऊपर, अगर आप कार्ड देखोगे तो फेस नजर आएगा आपको, तो उनको आप फेस कार्ड कहते हो, टोटल 12 होते हैं, 4 जैक 4 क्वीन 4 किंग, 12 फेस कार्ड। तो अगर आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का निकालनी है कि अच्छा इसमें पार्ट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, FN की प्रोबेबिलिटी और NF, अच्छा यहां पे दो चीजों का अलग शुमार किया हुआ है, नॉर्मली आप इनको एक साथ भी शुमार कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैं बोलूं कि यार आपने दो कार्ड उठाए हैं, पहले कार्ड पे किंग आ जाए दूसरे पे क्वीन आ जाए, अब इसको कोई अलग भी शुमार कर सकता है कि यार अगर पहले पे क्वीन आ जाए दूसरे पे किंग आ जाए ये अलग चीज है, और पहले पे किंग दूसरे पे क्वीन ये अलग चीज है, और उसको एक साथ भी शुमार किया जा सकता है कि अगर किंग क्वीन आ जाए मैटर नहीं करता ना, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन के अंदर बताया था सिलेक्शन मैटर नहीं कर रही होती कि यार एट द एंड जो दो कार्ड है ना उसमें से एक किंग और एक क्वीन आ रहा है, वो मैटर नहीं करता पहले किंग आया या दूसरा, पहले क्वीन आ जाए या पहले किंग आ जाए मैटर नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जगहों पे मैटर कर रहा होता है, वो बताते हैं कि यार पहले ड्रॉ में ही आना चाहिए दूसरे में ही आना चाहिए, और अगर पहले ड्रॉ में ही आ गया दूसरे में आया तो दोनों को अलग अलग शुमार कर रहे होते हैं। तो यहां पे यही है, वो अलग इन दोनों को अलग कंसिडर कर रहे हैं कि पहले पे एन आ जाए और दूसरे पे एफ आ जाए, या पहले पे एफ आ जाए दूसरे पे एन आ जाए, दोनों अलग चीजें, इन दोनों को अलग वो ट्रीट कर रहे हैं, तो हम भी अलग ट्रीट करेंगे भाई। तो एज्यूम कर लो पहले पे एन आ जाए,
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल 40 है, सॉरी नॉट फेस कार्ड के 40 है और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, और दूसरे पे फेस आ जाए। अब दूसरे पे कैसे निकालोगे, अब अगेन बात, ये डिपेंडेंट है, दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर, क्योंकि आप उठा के साइड पे रख रहे हो उसको मिक्स नहीं कर रहे, तो उसका मतलब पहले के बाद अब जो आपके पास कार्ड बचेंगे ना वो 51 होंगे, क्योंकि एक कार्ड तो आपने साइड पे रख दिया, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 51 और फेस कार्ड तो 12 होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एनएफ की। अब अगर आपको बोला जाए एफ एन की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब पहले पे अगर फेस कार्ड आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी होगी 12/52, दूसरे पे नंबर आ जाए, दूसरे पे नॉट फेस कार्ड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40/51, अगेन आपने हटा के साइड पे कर दिया था उसको। अच्छा इन दोनों में फर्क नहीं है, मल्टीप्ला वाले बात एक ही है, तो ये चीज आप इन दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये अगर आप देखो ना 40/12 ये 480 होता है और ये हो जाएगा 2652, तो 480/2652 को आप दो दफा ऐड कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। और पार्ट बी में बोला एटलीस्ट ऑन फेस कार्ड लिखा हुआ है, वन फेस कार्ड लिखे कि एटलीस्ट वन फेस कार्ड आ जाए, मतलब पहला कार्ड आपने उठाया उसको साइड पर रखा, दूसरा कार्ड आपने उठाया, तो बताओ एटलीस्ट एक फेस कार्ड आ जाए। एटलीस्ट की कंडीशन क्या होती है, कम से कम एक आ जाए, ज्यादा से ज्यादा दो भी आ सकते हैं क्योंकि टोटल दो ही आपने उठाया ना, तो इसमें दो किस्म की पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो एक आ जाए फेस कार्ड, वो पहली में भी आ सकता है दूसरे में भी आ सकता है, और उन्होंने दोनों के अलग लिए हैं कि पहली में आना दूसरी में आना, इन दोनों को अलग अलग इन्होंने कंसिडर किया है। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो फेस कार्ड है वो या तो पहली में आ जाएगा जिसको आप बोलोगे एफ और दूसरी में एन आ रहा है, या पहली में एन दूसरी में एफ आ जाए, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में एक फेस कार्ड तो जरूर आ रहा है, या दो फेस कार्ड भी आ सकते हैं एफ एफ, तो एटलीस्ट वन फेस कार्ड में ये तीनों पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती क्योंकि इसमें एक भी फेस कार्ड नहीं है, तो ये वाली नहीं आ सकती, ये तीन किस्म की आ सकती है। अब ये सब एक साथ नहीं हो सकता, छींक आने लगी थी, एक साथ नहीं हो सकता, ये अलग अलग ही होगा भाई, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो आपस में आप इनको ऐड करोगे और कुछ इंटरसेक्शन भी नहीं इनके दरमियान, अलग अलग कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, तो आप क्या करोगे इनको आपस में ऐड कर दोगे। ऐड कैसे करोगे भाई, वही बात, फेस आने की कितनी है 12/52, इसके आने की 40/51, अगेन इसमें क्या होगा 52 12/51, इसमें क्या होगा पहले में फेस आ जाए तो 40/52। अब देखो वो जो फेस था, अब इसको और से समझो कि 12 फेस कार्ड है, पहला अगर फेस कार्ड आप उठा लोगे और उसको साइड पे रख दोगे तो आप टोटल 51 कार्ड रह जाएंगे और फेस कार्ड अब 11 रह जाएंगे, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी उठा के साइड पे रख दिया ना, तो जब दोनों फेस की बात की जाएगी तो एक फेस जब आपने उठा लिया तो पीछे कितने बचेंगे 11 बचेंगे और टोटल कार्ड कितने होंगे 51। तो अगर आप देखो इन सबको आपने आपस में आपने ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो कॉमन है इनका 52 51, न्यूमरेटर क्या होगा 1240 480 480 और ये हो जाएगा 440। इन्होंने 132 लिखा हुआ है यहां पे, ओ सॉरी ये मिस्टेक कर दी, 40 फेस कार्ड नहीं है 12 फेस कार्ड है, तो 12 फेस कार्ड होंगे जब पहला आप उठा के साइड पे रख दोगे, इसका मतलब रिमेनिंग एक खत्म हो गया ना फेस कार्ड, तो 11 फेस कार्ड रह जाएंगे, टोटल 51 कार्ड रह जाएंगे, तो 12 को अगर 11 से करो तो 132 बनेगा, तो 480 480 132, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो 52 multiply 51 ही है, सॉल्व करना प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये सवाल ट्री डायग्राम के बगैर हो सकता था, आप ट्री डायग्राम भी आप यहां पे बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने यहां पे ट्री डायग्राम में ना प्रोबेबिलिटीज भी लिखी हुई है, यहां पे लिखना जरूरी है क्योंकि यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, जैसे आपने देखा था ना कि पहली ब्लू बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी थी 8/11 और दूसरी दफा भी ब्लू बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी थी 8/11, लेकिन ये था विद रिप्लेसमेंट, अब है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते आप, तो इसका मतलब पहली ब्लू अगर इसमें होता ना विदाउट रिप्लेसमेंट तो अब क्या होता कि खैर सवाल तो पूरा चेंज हो जाता, लेकिन मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सवाल पूरा चेंज हो जाएगा कि अगर आपको बोला जाए पहली आपने ब्लू उठा ली और उसको साइड पे रख दिया, अब ऑप्शन दूसरी में आपके पास क्या ऑप्शन है, जाहिर सी बात है 11 में से 10 ऑप्शन रह जाएंगे, तो वो अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की अभी बात कर रहा हूं, सवाल पूरा चेंज होगा आपका कि अगर पहली दफा आपने ब्लू बॉल उठाई इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/11, दूसरी दफा ब्लू बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/10, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी उठा के साइड पे रख दी तो अब टोटल 10 रहेगी और एक ब्लू रखी थी साइड पे तो 7 ब्लू रहेगी, तो ये यहां पे प्रोबेबिलिटीज मेंशन करना जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, कोई मसला ही नहीं था, आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटी सेम थी, आप अलग अलग भी ना निकालो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, डायरेक्ट 64 को 121 से डिवाइड कर दोगे 11 into 11 टोटल आउटकम से।
लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया। तो दैट्स व्हाई ट्री डायग्राम में ही प्रोबेबिलिटीज निकाली हुई है कि भाई जब आप फर्स्ट ड्रॉ करोगे, क्या इसको बोला रहा है फर्स्ट ड्रॉ ही बोला रहा है, तो फर्स्ट ड्रॉ में क्या होगा भाई, आपके पास अब अगेन 52 ब्रांचेस बन सकती हैं इसकी, लेकिन डायग्राम काफी खराब मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने लिखा 40 जो है वो नॉट फेस कार्ड है और 12 जो है वो फेस कार्ड है, ये पहला ड्रॉ है, और उसके बाद आपने साइड पे रख देना। दैट्स व्हाई इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली हुई है साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 40/52, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/52। अरे ये एक साथ अभी बात नहीं की जा रही, ये बात की जा रही है कि भाई अगर आपके पास पहला कार्ड जो है वो 40 नंबर कार्ड में से, मतलब जो आपके पास पहले ड्रॉ में आप कार्ड उठाओगे ना, अगर वो फेस कार्ड नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 40/52, और अगर वो फेस कार्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/52। अभी आप ये नहीं समझना कि पहला कार्ड उठा रही है तो इसकी 51 होनी चाहिए थी, ये पहले के ही ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। अभी जैसे यहां पे 3/11 होती है, इसकी पहले की बात की जा रही है, दूसरे के अंदर आप देखोगे विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर एज्यूम कर लो पहले पे नॉट फेस कार्ड आ जाए, दूसरे पे अगेन फेस कार्ड नहीं भी आ सकता, फेस कार्ड आ भी सकता है, अगेन नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी सब चेंज हो जाएगी। क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब 39, अगर इस पे नंबर आ जाए और दोबारा नंबर आ जाए तो इसकी होगी 39/51। ये मेंशन की भी होगी ना इन्होंने, हाँ ये मेंशन की भी इन्होंने। इसी तरीके से पहले पे नॉट फेस कार्ड, दूसरे पे फेस कार्ड आ जाए तो फेस कार्ड तो अभी भी 12 रहे, लेकिन एक आपने उठा लिया था तो 51। इसी तरह इसकी क्या हो जाएगी 40/51, और इसकी क्या हो जाएगी भाई, आपने फेस कार्ड एक उठा लिया ना यहां पे और उसको साइड पे रख दिया तो आप 11 रह गए और कार्ड 51 रह गए। तो ये ट्री डायग्राम के जरिए से हमने हर चीज मेंशन कर दी है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ट्री डायग्राम से, कैसे? सबसे पहले मैंने बोला था ना एफ एन और एन एफ, तो एफ एन इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो और एन एफ, एन एफ इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो और यूनियन था तो आप इनको ऐड कर दो, तो ये चीज आ जाएगी जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले निकाल के दिखाई थी। फिर उन्होंने बोला था एटलीस्ट वन फेस कार्ड, अब एटलीस्ट वन फेस कार्ड एन एफ में भी था, एफ एन में भी था और एफ एफ में भी था, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज की आप जो प्रोबेबिलिटीज है वो मल्टीप्लाई करके निकालोगे। मैंने बताया था ट्री डायग्राम में आप ब्रांचेस के अलावा मल्टीप्लाई करते हो और इस तरीके से ऐड कर रहे होते हो, पहली वाली को कंसीडर नहीं करोगे, उसमें एक भी फेस कार्ड नहीं आना, तो ट्री डायग्राम के जरिए से आपने सवाल को सॉल्व कर लिया। यही कॉन्सेप्ट था बच्चों ट्री डायग्राम का, ये आपको काफी फायदा देगा, लेकिन अब हर जगह आप ट्री डायग्राम के जरिए सॉल्व नहीं करोगे ना, क्योंकि उसके बगैर आप सॉल्यूशन अच्छा कर सकते हो तो ट्री डायग्राम की क्या जरूरत है।